हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 7 पहली चैप्टर 3 पुष्प की अभिलाषा, यानी कि फूल की क्या अभिलाषा है। जिस प्रकार हम लोग के मन में ही बहुत सारी अभिलाषाएं होती हैं, अभिलाषा का मतलब है चाह, इच्छा, हमारी क्या इच्छा है। ठीक जिस प्रकार हम लोग के मन में बहुत सारी इच्छाएं चलती रहती है, उसी प्रकार एक पुष्प की भी अभिलाषा है, इच्छा है। लेकिन हम लोग पुष्प के इच्छा के मुताबिक नहीं चलते हैं, बल्कि अपने इच्छा के मुताबिक फूल का यूज करते हैं। लेकिन यह पुष्प जो है इसकी क्या अभिलाषा है, यह जानने की कभी कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि एक पुष्प जो है, एक फूल जो है, उसकी क्या क्या अभिलाषाएं हैं। आखिर उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं कि मेरा यूज कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए। जबकि हम लोग अपने इच्छा के मुताबिक, अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए, अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए फूल का तरह तरह जो है हम लोग उपयोग करते हैं। लेकिन हकीकत में फूल का उपयोग क्या है, क्या सीखते हैं हम लोग। पहला जो गद्यांश है, फर्स्ट पैराग्राफ में कवि कह रहे हैं कि फूल की ये इच्छा है, फूल कह रहा है, हे प्रभु हमारी चाह देव कन्याओं के गहनों में गूंथा जाना नहीं है। यानी जनरली हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग पूजा करने जाते हैं तो अधिकतर फूलों का यूज करते हैं। तो फूल ये कह रहा है, हमारी पुष्प की अभिलाषा है कि हमारी इच्छा नहीं है कि हम देवता देवी कन्याओं के गहनों में घुस जाऊं, यानी कि उसके माला के रूप में चढ़ूं, इच्छा नहीं है। और प्रेमी के माला में गुथा कर प्रेमिका को ललचाने की चाहत भी नहीं है। ये फूल कह रहा है हमारी इच्छा कभी नहीं रहती है कि जो प्रेमी है उसके माला के रूप में गुथा जाओ और उसको पहनाने से उसकी प्रेमिका जो है उसकी चाहत बने या उसको ललचाओ, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। फूल की कभी भी ऐसी इच्छा नहीं है कि वह किसी व्यक्ति के या किसी देवी देवता के गले में वह सुंदर लगे, ऐसी उसकी इच्छा नहीं है। वकील सिर्फ हम लोग अपने इच्छा अनुसार करते हैं, जबकि फूल की इच्छा नहीं है। वो सीधे कह रहा है कि उनकी चाह जो है किसी देवी देवताओं के, किसी कन्याओं के गहनों में गूंथे जाने की इच्छा नहीं है, और न ही उनकी इच्छा है कि किसी प्रेमी के माला में गूंथ कर वे प्रेमिका को लग जाए। दूसरा पैराग्राफ है, वो कभी ये नहीं चाहता है, कह रहा है हे हरि सम्राटों के सब पर डाले जाने की चाहत भी मुझे नहीं है। हम लोग देखते हैं कि अभी जब लोग मरते हैं, जब उनके अर्थी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारे फूलों की मालाएं उस पर रखी जाती है, या बड़े बड़े लोग के साथ और ज़्यादा होता है, मीडियम फैमिली उतना नहीं देखा जाता है। बट कोई बड़े बड़े लोग जो काफ़ी नामी गामी पैसे वाले लोग हैं, अगर मरते हैं तो उनके अर्थी पर फूलों की मालाएं जो है चढ़ाई जाती है। तो फूल कहता है कि हमारी इच्छा कभी नहीं है कि सम्राटों के सब पर मृत शरीर, आखिर उस मृत शरीर पर फूल डालने से क्या होता है। वो तो हम अपनी दिखावट के लिए करते हैं, अपनी दिखावा के लिए करते हैं, उसमें फूल का कोई महत्व नहीं है। तो हमारी फूल ये पुष्प जो है ये कह रही है कि कभी उसकी इच्छा नहीं है कि मृत शरीर पर उसको डाला जाए। मृत शरीर पर डालने से कोई बेनिफिट नहीं है, तथा देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर गर्व करूं, ऐसे अभिलाषा भी नहीं। फूल कह रहा है ऐसा नहीं है कि देवी देवता के लोग फूल चढ़ाते हैं तो उसके सिर पर चढ़कर हमें गर्व हो, चल भाई मेरा यूज देवी देवता के लिए किया जा रहा है, ऐसी कोई इच्छा फूल की नहीं है। कहती है ऐसा कोई इच्छा हमारे अंदर नहीं है कि मैं किसी मृत शरीर पर चला जाऊं या कोई देवी देवता के सिर पर हमें चढ़ाए जिससे हमें गर्व महसूस हो, ऐसी कोई इच्छा उसकी नहीं है। उसकी इच्छा क्या है वो देखते हैं, यानी फूल की अभी तक इच्छा क्या नहीं थी वो हमने देखा, और फूल की इच्छा क्या है वो समझते हैं। हे वनवाली मेरी अभिलाषा है कि मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंक देना जिस पथ पर मातृभूमि की रक्षा अनेक वीर पुरुष जाते हैं। यानी कहने का मतलब है फूल की ये इच्छा है
कि हमें आप उस रास्ते पर फेंक दे जिस पर हमारे देश के जवान जो है वो हमारे देश की रक्षा करने के लिए जाते हैं, जो देश के बॉर्डर पर खड़े हैं, जो कांटों से जंगलों से होते हुए जाते हैं, उनके रास्ते में अगर हमें फेंक देते हैं तो उनसे हम क्या होगा, हमें भी सुख मिलेगी, हमें भी सुखी मिलेगी, खुशी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन पैरों के, उन जवानों के पैरों में कम से कम कांटे तो नहीं करेंगे। इसलिए इसकी इच्छा यह है कि उसे उस पथ पर फेंक दीजिए जिस पर मातृभूमि की, देश की रक्षा करने के लिए जवान जो है वो शहीद हो जाते हैं, उस रास्ते से जाते हैं, उस रास्ते पर इस फूलों को बिछाया जाए, तब जाकर फूलों को ज़्यादा खुशी मिलेगी। यह एक फूलों की इच्छा है।